everyone, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब guys? तो I hope you all are doing good. My name is Jyoti. तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ, होम से रिलेटेड है, किचन से रिलेटेड ये वीडियो है आज की. तो मैंने अपने किचन के लिए कंटेनर मंगाए थे, स्टोरेज कंटेनर बॉक्स. और इन बॉक्स जो हैं स्टोरेज होते हैं वो प्लास्टिक के हैं और काफ़ी अच्छे वाले स्टोरेज हैं और काफ़ी मतलब अफोर्डेबल स्टोरेज है. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही उसी की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको भी अगर किचन से रिलेटेड आपको भी अगर लेना है स्टोरेज बॉक्स तो आप इस रिव्यू को देख करके आप ले सकते हो. तो ये कितने का मुझे पड़ा, इसमें कितने बॉक्सेज हैं, ये सारी डिटेल मैं आपके दूंगी. कितने वेट का है, कितना सामान हम इसमें रख सकते हैं, तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. तो बस कंटिन्यू रहिए वीडियो में मेरे साथ और बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाला है. चलिए आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं. कंटेनर बॉक्स हैं, अभी ये सारे पैक हैं, ये आया था, ये मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों से मंगाया है. तो मतलब जिसमें मुझे सस्ता, जिसमें मुझे चीप रेट पड़ा उसी से मैंने ये मंगा लिया. मैंने सारे साइट से इसके चेक किए थे. तो अभी ये पैक है, ये एक गत्ते वाले डब्बे में बॉक्स में पैक होके आया था, लेकिन उसे मैंने हटा दिया सेफ्टी पर्पस के चलते. इसका जो ऊपर का कवर था ना, वो मैंने एट ए टाइम ही मैंने उसको ओपन करके और उसको बाहर ही रख दिया था. और अभी मैं इसको आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ क्वालिटी वाइज क्या है, कितने का रख सकते. तो गाइस कुछ इस तरह के हैं मेरे कंटेनर स्टोरेज बॉक्स. ये जो वाइट वाला वाइट लीड के साथ है, ये वाली, ये 6 पीसेज के हैं और सेकेंड वन ही जो वो 12 पीसेज के बॉक्सेज हैं. दोनों ही बहुत ही अच्छे बॉक्स हैं. तो गाइस पहले जो स्टोरेज कंटेनर है ना, वो कुछ इस टाइप के स्टोरेज कंटेनर है. इसको मैं दाल कंटेनर हम बोलते हैं और मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ. इसका जो टोटल सेट है ना, वो 6 पीस का है. वो ये ना कुछ इस तरह से पैकेजिंग में, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से आई है. पैकेजिंग वाइज ये गुड था. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक गत्ते वाली जो स्टोरेज बॉक्स होती है उसके अंदर इस तरह से पन्नी, इस तरह से इसकी प्लास्टिक में रैप होकर के आई थी और इस तरह से कैप लग अंदर प्योर थे. तो ये जो स्टोरेज बॉक्स है, ये बेसिकली मैंने अपने दाल और जो भी होते हैं ना ड्राई चने वगैरह, उस चीज़ के लिए मैंने इसको मंगवाया है. और इस तरह से क्वालिटी वाइज अगर मैं बोलूँ तो ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. मतलब इस तरह से अगर मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल मतलब जो होते हैं ना ख़राब किस्म के वो प्लास्टिक मटेरियल, ये बिल्कुल उससे नहीं बना है और ये काफ़ी अच्छे मटेरियल से बना है. और आई थिंक ये अनब्रेकेबल है और इसके जो कैप है वो इस तरह से लगते हैं, कुछ इस तरह से इसके कैप लगते हैं. और यहाँ पे ये जो है ना एक लॉक सिस्टम दिया गया है, ये आप देख सकते हो, ये लॉक सिस्टम दिया गया है यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से ये लॉक सिस्टम दिया गया है इसमें. और जब भी आपको इससे कुछ भी निकालना हो तो आप इस लॉक सिस्टम को इस तरह से पुश करके बैक की ओर आप इसको ओपन कर लो. और ये यहाँ पे इतना बड़ा साइज में होल है, इससे आपके दाल वगैरह इजली निकल जाएंगे और आपको पूरे कैप खोलने की ज़रूरत भी नहीं है. तो इसका ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसका लॉक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. और ये जब भी आपको लॉक हो ये इस तरह से आवाज़ होती है. और जब भी आपको सामान की यूज करना हो ना तो अब बस आप इसे इस तरह से ओपन करो और निकाल लो इस तरह से सामान और फिर वापस से इसे कैप को बंद करके बस रख दो. तो ये जो है टोटल 6 पीस का सेट है और है ना वो 1500 ml की है. ऑलरेडी इसमें बैक साइड में इसकी मेंशन है 1500 ml की है इसकी कैपेसिटी जो है.
अनब्रेकेबल है ये, कि अगर ये आपके हाथ से बाई चांस छूट गया तो ये टूटेगा नहीं। इसमें ऐसा मेंशन किया हुआ है कि ये अनब्रेकेबल है और ये मेड इन इंडिया है। और इसकी जो क्वालिटी है, ये जो है फूड ग्रेड मटेरियल है, तो ये सेफ है। इसमें आपके जो मटेरियल है वो खराब बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, और ये आपके हेल्थ के लिए, ऐसा इसमें मेंशन है, ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा रहेगा। तो अगर आपको नीड हो तो आप ये वाला खरीद सकते हो। और ये जो इसका जो ब्रांड है वो ओसलेन करके ब्रांड है इसका, और इसे मैंने मंगाया था अमेजोन में, और 6 पीस के ये मुझे पड़े 499 1500 ml। तो मुझे प्राइस वाइज भी ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि और ऑलरेडी मैंने इसका सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता और इतना बड़ा, मतलब को अगर दाल वगैरह रखना हो तो 1 kg दाल इसमें इजली आ सकता है, तो आप इसमें 1 kg तक आप आराम से रख सकते हो। इनफैक्ट 1 kg से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आएगा, लेकिन कम नहीं आएगा, तो काफ़ी अच्छा है। तो आप इसे चाहो तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो, तो मैंने अमेजोन से लिया है। अच्छा, नेक्स्ट जो कंटेनर बॉक्सेस है ना, वो इस तरह से है, मिल्टन कंपनी का है ये। तो इसका ये टोटल जो है 12 पीस का सेट है, और इसके अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक दिए। तो अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये मिल्टन कंपनी का ब्रांड, काफ़ी अच्छा है, और इस तरह से ये पैकेट में पैकेजिंग था। ये भी जो है शायद ये भी फूड ग्रेड है, और ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये देखो, ये जो इसका सबसे बिग साइज है ना, ये जो फर्स्ट कंटेनर है गाइज, ये मिल्टन कंपनी का है, और ये जो है 1240 यानी कि 1240 ml का ये कंटेनर बॉक्स है। इसकी जो साइज है उसमें 1240 ml आप इतना तक का सामान आप इसमें रख सकते हो। एयर टाइट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एयर टाइट है। इस तरह से इसके लीड जो है इस तरह से लगी हुई है, और आप इसमें कोई भी सामान रखो जो आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना है तो आप इसमें इजीली रख सकते हो। और इसमें जो ऑलरेडी इसके अंदर जो ये दिया हुआ है ना पैम्पलेट, इसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ है ये एयर टाइट है, BPA फ्री है और फूड ग्रेड है। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी हानि नहीं होगा, आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये हालांकि है प्लास्टिक का जार, लेकिन ये BPA फ्री है और फूड ग्रेड है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा मटेरियल है। क्वालिटी वाइज की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आप ये कम्प्लीटली एयर टाइट जार है, और इस वाले बॉक्स में भी आप चाहो तो 1 kg से आई थिंक थोड़ा सा कम, लेकिन अगर दाल वगैरह अगर होगी ना तो 1 kg तक इसमें आ जाएगा। और ये इसका जो पहला बॉक्स है, सबसे बड़ा वाला बॉक्स यही है, और इसी साइज का है, और काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसको भी आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। इसकी जो सेकंड बॉक्स है उसकी साइज ये है, ये उससे छोटा है, और इसकी जो साइज है वो 665 ml मेंशन है, और ये भी लिखा हुआ है ऑलरेडी ये मेड इन इंडिया है, इसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है मिल्टन कंपनी, और ये भी एयर टाइट है। हिसाब से कुछ भी आप किचन आइटम इसमें रख सकते हो। और थर्ड जो है वो 260 ml का है, आप इसको जो है मसालों के यूज के लिए, आप अपने मसालों के लिए, काफ़ी क्यूट सा है, काफ़ी अच्छा मुझे ये लग रहा है। और ये जो है ना, इसकी डिजाइन जो है डायमंड शेप में बनी हुई है, जो इसका जो डिजाइन है ना काफ़ी अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसको अपने किचन में ऑर्गेनाइज करते हो ना, ये आपके किचन को एक नया लुक देगा और काफ़ी अच्छा आपके किचन को ना काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएगा। इसकी ये जो डायमंड की जो डिजाइन है ना कट, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो इसको जो मैंने लिया था ना, इसको मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से। इसकी जो प्राइस, इसकी जो MRP है वो 899 rupees है, और ये भी मुझे पड़ा 499 rupees, 499 का ये मुझे पड़ा है, यानी कि 499 का 12 पीस पड़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी अफोर्डेबल है। तो ये मैंने 2 जार मंगवाए हैं। कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है मैंने अपने किचन में इस स्टोरेज को, कंटेनर बॉक्सेस को, काफ़ी लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा
अच्छे हैं, तो ये सारे जो, और ये सारे जो कंटेनर बॉक्स है ना, ये काफी यूजफुल है आपके किचन के लिए, बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। इस स्टोरेज बॉक्स को अपने किचन में जब लगा के रखोगे ना, तो ये आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो अगर आपको जरूरत है तो आप इस किचन, आप ये चाहे तो अगर आपको नीड हो अगर कंटेनर बॉक्स की, तो आप ये वाले कंटेनर बॉक्स जरूर ले सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया है। अच्छे हैं, अफोर्डेबल हैं, तो आई होप आपको ये पसंद आएंगे। जो स्टोरेज बॉक्स है ना, ये इसमें मेंशन रहता है ये एयर टाइट है, लेकिन ये कम्प्लीटली एयर टाइट स्टोरेज बॉक्स नहीं है, ये आप माइंड में रखना। तो ये बेसिकली यूज के लिए है, दाल या मतलब काले चने छोले ये सब है ना जो ड्राई आइटम है, ये उसके यूज के लिए है। आप उस चीज के लिए, चीजों के लिए इसको मंगा सकते हो और इसमें रख सकते हो। और ट्रांसपेरेंट है तो आपको मतलब आसानी होगी निकालने में भी, कि कौन सा आइटम किस बॉक्स में है ये आपको पता चल जाएगा और आप बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। सारे जो कंटेनर है वो मेरे सारे स्टोरेज बॉक्स ट्रांसपेरेंट है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।